नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह सभी प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1930 डांडी यात्रा से। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, बोलिविया में जैन संघर्ष का मुख्य कारण था? बोलिविया में जैन संघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए सही है, पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि बोलिविया में जैन संघर्ष का मुख्य कारण हो गया था। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण बोलिविया में जैन संघर्ष का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1907 में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतंत्र। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्बरमैन ने कहा था, संसाधन होते हैं बनते नहीं, जिम्बरमैन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्बरमैन। अगला प्रश्न है, सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्र। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1995। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु
श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना, ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा ऑप्शन नंबर डी सही है, झारखंड में पड़ता है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी बीमारू राज्य है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों राज्य बीमारू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल्य अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल्य अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान में। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी सही है। सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीय क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। टिप्पू सुल्तान शासक थे मैसूर का, टिप्पू सुल्तान शासक कहाँ के थे? मैसूर का, ऑप्शन नंबर ए सही है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। धर्म पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो नागौर जिला राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दल जो होते हैं उसकी मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ऑप्शन नंबर सी सही है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 मार्च। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग बना। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? 1980 में, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2005 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में
से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। वृद्धत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, वृद्धत क्षेत्र यानी कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सही है, पेट्रोलियम। भारत की में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यावसायिक बैंक। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना, ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना में। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है, सीमेंट जो है उद्योग निम्नलिखित में उद्योगों में क्या है, कृषि उद्योग में नहीं आता है, चीनी कृषि उद्योग, जीट कृषि उद्योग, सूती वस्त्र कृषि उद्योग में आता है, और सीमेंट चूना पत्थर से बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी सी सही है, सी सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, सीमेंट। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवीकरणीय है। चावल है, चावल है खरीफ की फसल, ऑप्शन नंबर ए सही है, चावल खरीफ की फसल है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी सही है।